हाँ दोस्तों, तो फाइनली बड़ी बड़ी फिल्में अब अपनी रिलीज डेट अनाउंस कर रही है। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले ही आपने देखा यशराज बैनर ने अपनी मच अवेटेड फिल्म पठान का ऑफिशियली रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बाद YRF की एक और फिल्म है जिसका नाम है जयेश भाई जोरदार, उसकी भी रिलीज डेट आ गई है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद पूरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब जयेश भाई जोरदार के बारे में अगर बात करें तो ये जो फिल्म है उसके लीड रोल में है रणवीर सिंह। दिव्यांग ठक्कर के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म जयेश भाई जोरदार, फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं YRF स्टूडियो, यानी कि आपको पता ही है यशराज बैनर। तो ऑफिशियली रणवीर सिंह ने भी और यशराज स्टूडियो के ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट से एक खबर आई है कि भाई जयेश भाई जोरदार फिल्म जो है वो 13 मई के दिन थिएटर्स में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 13 मई के दिन, यानी कि यह चल रहा है मार्च, अप्रैल और मई, 1.5 महीने बाद ही यह फिल्म आपको सिनेमा घर में देखने को मिल जाएगी। 1.5 नहीं, लेकिन 2 महीने बाद, 2 महीने बाद यह फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल दोस्तों ये उठ रहा है कि अभी तक टाइगर 3 की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर 3 सलमान खान कटरीना कैफ की जो मच अवेटेड मूवी है उसकी अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद 2 या 3 दिन में ही अब उसकी भी रिलीज डेट आ जाएगी, क्योंकि यशराज अब अपनी जो पाइपलाइन में फिल्में पड़ी है उसकी धीरे धीरे रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर रहा है। तो बहुत ही जल्द आपको टाइगर 3 की भी अनाउंसमेंट मिल जाएगी। तो ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।